कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि यानी 8 नवंबर 2022 को इस साल का अंतिम और पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। कब लगता है चंद्र ग्रहण? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है पृथ्वी, तब होता है चंद्र ग्रहण। इस समय चंद्रमा पर पूरी तरह से पृथ्वी की परछाई आ जाती है, ये लाल रंग सी प्रतीत होती है। हालांकि इसे विज्ञान, खगोलीय और वैज्ञानिक घटना मानता है और ज्योतिष इसे ज्योतिषीय घटना का नाम देते हैं। इस ग्रहण के दौरान मंगल और बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे। देश पर प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगेगा। मेष राशि के जातकों को सावधानी रखनी होगी। भारत सहित कई देशों में दिखाई देगा। ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। सूतक काल और ग्रहण का समय, सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाता है। चंद्र ग्रहण का समय 8 नवंबर वार मंगलवार को दोपहर 1:32 पर होगा। शाम 7:27 पर समाप्ति होगी। सूतक काल में वर्जित, इस दौरान खाना नहीं खाना चाहिए, ना ही खाना बनाना चाहिए, ना ही सोना चाहिए, लेकिन बीमार और गर्भवती महिलाओं को खाना खाने दिया जा सकता है। इस समय मंदिर के पट भी बंद कर दिए जाते हैं। घर और मंदिर दोनों में भगवान की मूर्ति को पर्दे से ढक दिया जाता है और सभी लोग बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। घर में रखे अनाज, बना हुआ खाना और पानी में तुलसी पत्ता, कुश जिसे दूब भी कहा जाता है, और काले तिल डाल दिए जाते हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद गंगा जल से स्नान करें, संभव हो तो घर को भी धोएं। ऐसा न कर पाए तो गंगा जल से पवित्र कर लें। जरूरतमंदों को दान जरूर दें, जैसे चावल, चीनी, दूध और चांदी का दान दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर दें। किसी भी प्रकार के ग्रहण में चारों तरफ के वातावरण को पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक रखें। अच्छा सोचें तो सब अच्छा ही होगा। नकारात्मकता के विचारों को मन मस्तिष्क में ना लाएं। ग्रहण काल के दौरान शिव मंत्र, नमः शिवाय और सूर्य, चंद्रमा और गायत्री मंत्रों का जाप करें। राशि अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव, मेष राशि सावधानी बरतनी होगी। मकर, इस राशि के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, धन हानि के योग बन सकते हैं। कन्या, कन्या के लिए बहुत ही लाभदायी रहेगा ये चंद्र ग्रहण, नए अवसर प्राप्त होंगे। मिथुन राशि, सफलता मिलेगी, आय के नए स्रोत बनेंगे। मीन राशि, बहुत ही अच्छा रहेगा ये ग्रहण, सफलता मिलने के योग है, धन संपत्ति का योग बन रहा है। वृश्चिक राशि, नए अवसर प्राप्त होंगे, अधूरे कार्य पूर्ण होंगे, विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। लेकिन सोच समझकर कार्य करें, बिना देखे पढ़े किसी कागज पर साइन ना करें। तुला राशि, धन लाभ के योग, अधूरे कार्य पूरे होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।